ये देखो भाई, ये धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। अब निकल जा धुआं थोड़ी देर में। और अंकित भाई ने गायें पकड़ ली, इनमें हमने कॉल किया था हमें, वो नाखून पूरा टूट गया। ये देखो भाइयों, वीडियो पूरी देखना। इस गाय के पैर में कम से कम 500 कीड़े होंगे, उससे भी ज़्यादा। हमारे सर ने एक एक कीड़े को निकाला है। अब वीडियो में बने रहे हमारे साथ। इस गाय माता को 6 इंजेक्शन हमारे सर जी ने लगाए हैं। वीडियो पूरी देखना भाइयों, तभी समझ आएगी। भाइयों, हमारी टीम के लिए एक लाइक ज़रूर करना। भाइयों, सर जी जितने भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, सर अपनी तरफ से लगाते हैं, और जितने भी गायों का हम इलाज करते हैं सब फ्री में करते हैं। भाइयों, ये जो गाय के चोट लग रही है, इसमें कम से कम 500-600 कीड़े हैं, जो कि हमारे सर ने एक एक कीड़े को निकाल दिया है। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें आगे आगे। और ये लग रहा तीसरा इंजेक्शन। अब मेरे साथ है अंकित, एक मैम है, सर जी हमारे। भाइयों, आपको भी कोई गाय मुसीबत में दिखती हो तो इस नंबर पे कॉल करें। भाइयों, इस गाय को कितना दर्द हो रहा होगा, क्योंकि इसके कीड़े पड़े थे और वो कीड़े गाय के मांस को खा रहे थे। और ये चौथा इंजेक्शन लग रहा है इस गाय के। ये पांचवा इंजेक्शन। ये हमारे सर जी ने गाय का पैर साफ़ किया, और भाइयों इतने कीड़े निकले हैं कि मैं क्या बताऊं, देखा नहीं जा रहा था। भाइयों भाइयों, गाय के पैर में से देखो धुआं निकल रहा है, और जो नीचे है ना, ये देखो वाइट वाइट दिख रहे होंगे आपको, ये कीड़े हैं। भाई, ये दवाई जो सर ने ये दवाई डाली है ना, ये बहुत अच्छी है, जख्म को जल्दी सही करने में काम आती है। सरकार ना देती अपने पल्ले की, भाई साहब अपने पल्ले का है, अपने पल्ले की है, अपने पल्ले का है, दवाई भाई साहब की अच्छे खर्च करते हैं। इसे कह रहा मैं, पीछे हो जाओ, पीछे आ मैं ना करने दो। ये बात टाइम अमली है, पता नहीं कौन का क्या। बहुत ज्यादा कीड़े निकाले भाइयों इसके अंदर से हमने। भैया, बोलने में करने में जमीन आसमान के अंतर होती है। ये भी बात आपका सही है ना? सही बात है। खड़े हो भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी टीम के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखना। जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लो चैनल को। भाइयों, मेरे लिए एक लाइक मत करना, लेकिन मेरे सर जी के लिए एक लाइक जरूर कर देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जय गौ माता। और भाइयों, आप कोई गाय मुसीबत में दिखते हो तो हमें ज़रूर बताएं। जय गौ माता।